अस्सलामु अलैकुम, टाइलर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद इमरान खान वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी हमनसब ली की चियांग समेत कतरी अमीर उज़्बेक और मिस्री सदर से भी मुलाकात। कश्मीर और अफगानिस्तान समेत खित्ते के अहम उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी वज़ीर आज़म ली को सी पैक और खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स में चीनी सरमायाकारी को बढ़ाने के इकदाम से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा इक्तसादी रवाबित को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों मनसूबों और इदारों की हिफाजत के लिए हुकूमत के इकदाम से आगाह किया। बीजिंग में पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेशनल्स की सहूलत के लिए बनाए गए पोर्टल का इफ्तिताह। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने पोर्टल का इफ्तिताह किया। पोर्टल का मकसद पाकिस्तानी तलबा और चीनी माहिरीन के माबैन तकनीकी रवाबित को फ़रोग देना है। पोर्टल पाकिस्तानी तलबा और चीन में पेशा वराना कम्यूनिटी के दरमियान रवाबित बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पोर्टल जदीद तहकीकी इख्तराआत और दरियाफ्तों के ज़मन में मुआवनत फराहम करेगा। सुरों की मलका लेजेंडरी गुलूकारा लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में चल बसीं। लता मंगेशकर को 8 जनवरी को कोरोना वायरस की तशखीस हुई। उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उन्हें नमूनिया की तशखीस के बायस इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल किया गया। वो तकरीबन 20 रोज तक वेंटिलेटर पर रहीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक आवाम शेवाजी पार्क में लेजेंडरी गुलूकारा की मैयत का दीदार कर सकेंगे। फवाद चौधरी का भारतीय लेजेंडरी गुलूकारा लता मंगेशकर को खराज अकीदत। कहा, लता मंगेशकर का इंतकाल मौसीकी के एक अहद का खात्मा है। मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 7 फरवरी को तलब कर लिया। इजलास में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से तय पाने वाले सियासी मामलात पर गुफ्तगू होगी। पीडीएम और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से लाइहा अमल मुरतब किया जाएगा। शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज में मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेंगे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी सीपैक के ट्रैक पर आ गए। कहते हैं आने वाले दौर में जेयूआई की हुकूमत सीपैक के दीगर मराहिल पर काम शुरू करेगी। पसमानदा इलाकों को तरक्की देना हमारे मंशूर का हिस्सा है। इलेक्शन में तरक्याती काम करना वोट खरीदने और आवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। डीजी खान में जलसे से खिताब करते हुए कहा, 3 साल बल्ले की हुकूमत देख ली, गरीब आदमी रोटी दवाई को तरस रहा है। सालाना तरक्की का तखमीना 0 से भी नीचे आ गया। आवाम ने अब भी बल्ले को वोट दिया तो मुल्क डबोने वालों का साथ देने में वो भी शामिल होंगे। सी पैक के मंसूबे क्यों शुरू नहीं हुए? जवाब, हुकूमत देगी। कराची ग्रीन लाइन मंसूबा 3 साल पहले मुकम्मल हो चुका था। बसें आने में 3 साल लग गए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, लीग नून ने अपने दौर में सूबों का हिस्सा दुगना कर दिया था। जितनी रकम सिंध को मिली पहले कभी नहीं मिली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हैदराबाद और सिंध के लिए सबसे बड़ा मनसूबा मोटरवे का था। नून लीग की हुकूमत में आकर यह मनसूबा मुकम्मल करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं, क्रिमिनल्स का गैंग इकट्ठा हो गया। हुकूमत को इन मुलाकातों से पहले फ़र्क पड़ा ना आइंदा पड़ेगा। बीजिंग में दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी ने कहा, आइंदा इंतखाबात हाथ से निकलते देखकर नवाज जरदारी दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। कौमी खजाना लूटने के लिए दोनों आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। जब सारी कौम कश्मीरियों से यकजहती का दिन मना रही थी, वहीं पाकिस्तान के तमाम क्रिमिनल्स ने मिलकर यकजहती का इजहार किया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में गैर कानूनी अदायगियों का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। एफबीआर हुकाम ने खिलाफ कानून 16 अरब रुपए का सेल्स टैक्स सैकड़ों बड़े रिटेलर्स को रिफंड कर दिया। अदायगियां सितंबर 2021 से जनवरी 2022 के दरमियानी अरसे में की गईं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। जो अफसर मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सिक्योरिटी फोर्सेस का दयाल रोड टांग में ऑपरेशन, खुदकुश हमला आवर हलाक। ऑपरेशन कल अदम टीटीपी के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्द के साथियों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जनूबी वजीरस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के ठिकाने पर कार्रवाई। टीटीपी का दहशतगर्द अल्लाह नूर गिरफ्तार। दहशतगर्द अल्लाह नूर बुरका पहनकर फरार की कोशिश कर रहा था। ऑपरेशन में भारी मकदार में असलहा, धमाका खेस मवाद और मवासलाती आलात कब्जे में लिए गए। पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम। मोहलिक अमराज में मुबतला 3,000 मरीजों के इलाज के लिए 2.25 अरब रुपए के फंड्स जारी। फंड्स चीफ मिनिस्टर सवाब दीदी ग्रांट से जारी किए गए। कैंसर के मरीजों के लिए 26 करोड़ 33 लाख, अमराज कल्ब के लिए 1 करोड़ रुपए माली इमदाद जारी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक अमराज जिगर में मुबतला मरीजों के लिए 48 करोड़ 41 लाख रुपए, अमराज गुर्दा में मुबतला मरीजों के लिए 18 करोड़ 34 लाख रुपए जारी किए गए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। बहरीन जाने वाले मुसाफिर से 1 किलो 260 ग्राम आइस हीरोइन बरामद। मुलजिम गिरफ्तार, मजीद तफ्तीश के लिए एएनएफ के हवाले। सदाम खान बहरीन जा रहा था, महारत से बैग में आइस हीरोइन छुपा रखी थी। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, तीसरे महीने में दाखिल। अस्पतालों में ओपीडीज और इंडोर सर्विसेज की मुसलसल बंदिश से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। यंग डॉक्टर्स का मुतालबात के हक में 9 फरवरी को सिविल अस्पताल कोयटा से ग्रैंड एहतजाज और रैली निकालने का ऐलान। वजीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना वायरस की दहशत बरकरार, मजीद 30 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,874 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 8.69% रिकॉर्ड। एनसीओसी के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 1,681 मरीजों की हालत तश्वीशनाक। मलके बरतानिया ने अगली नस्ल को तख्त सौंपने से मुतल्लिक गैर यकीनी सूरतेहाल खत्म कर दी। बरतानिया का अगला बादशाह और मलका कौन होंगे अहम ऐलान कर दिया गया। मलका एलिजाबेथ बाद शहजादा चार्ल्स बादशाह, उनकी अहलिया कमीला यार्कर मलका बरतानिया बनेगी। 95 साल मलका एलिजाबेथ ने प्लाटेनियम जुबली के मौके पर अपने तख्त के अगले वारिस का ऐलान किया। मलका ने तवक्को जाहिर की कि अवाम चार्ल्स और कमीला का भी साथ देते रहेंगे। यूक्रेन के मामले पर रूस और नेटो की महाज आरई बरकरार। अमरीकी फौजी नेटो को तकवीत पहुंचाने के लिए पोलैंड पहुंच गए। मजीद 1700 अमरीकी फौजी जल्द आएंगे। मैस्को, वाशिंगटन और कैफ की जानिब से जंगी मशकें मुसलसल जारी। बहरे रूम में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज की नेटो की जंगी कश्तियों के साथ मशकें। यूक्रेनी अफवाज ने दारुलहुकूमत कैफ के करीब मिलिट्री कैंप लगाया। शहरियों को भी हल्का असलहा चलाने की तरबियत दी गई। भारत अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फातह बन गया। फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल 5वीं बार अपने नाम किया। वेस्टइंडीज में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड की टीम 179 रन पर ढेर। जेम्स ने सबसे ज्यादा 95 रन बनाए। भारत की तरफ से फास्ट बॉलर राज बावा ने 5, रवि कुमार ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने 47.4 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल किया। और पाकिस्तान सुपर लीग 7 का मेला जारी। आज 1 मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के दरमियान खेले गए आखिरी 5 मैचेस में 3 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जबकि 2 कराची किंग्स ने जीते। जारी इवेंट में कराची किंग्स कोई मैच नहीं जीत पाया। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सुरों की मलका लेजेंडरी गुलुकारा लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में चल बसी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अवाम शिवाजी पार्क में लेजेंडरी गुलुकारा के मैयत का दीदार कर सकेंगे।
फन गुलुकारी के जरिए भारतीय फिल्म नगरी पर तवील अरसे राज करने वाली भारतीय लेजेंडरी गुलुकारा लता मंगेशकर गुज़श्ता माह कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद से मुंबई के ब्रिज कैंटी अस्पताल में जेरे इलाज थी। 26 जनवरी को उनकी हालत में बेहतरी पर वेंटिलेटर से हटा दिया गया था। कल हालत दोबारा बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर फिर मुंतकिल कर दिया गया था। ब्रिज कैंडी अस्पताल से ताल्लुक रखने वाले एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रीत समदानी पिछले कई बरस से लता मंगेशकर की देखभाल कर रहे थे। गुलुकार पाशा भोसले ने गुज़श्ता रोज़ अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अस्पताल के ICU वार्ड में मुलाकात की थी। गुलुकारा लता मंगेशकर 1929 में पैदा हुई थी। उन्होंने 13 बरस की उम्र में गाना शुरू किया था। लेजेंडरी गुलुकारा ने अपना पहला गाना 1942 में रिकॉर्ड कराया था। लता मंगेशकर ने कई दहाइयों तक आवाज़ का जादू जगाया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, जिसके बाद वो वतन वापस रवाना हो गए। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उनसे दो तरफा ताल्लुकात और आलमी सूरतेहाल पर गुफ्तगु हुई। मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन से वतन रवानगी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ चीन के सदर शी जिनपिंग के जहराने में शिरकत की थी, जहां उन्होंने चीनी हमनसब ली कीचियांग से मुलाकात की थी। उन्होंने चाइना एनर्जी एंड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और पावर चाइना के चेयरमैन से ऑनलाइन मुलाकात की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मुलाकातों में पाकिस्तान के तवानाई के शोबे की बेहतरी और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के मौके पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी मौजूद थे। दूसरी जानी वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने बीजिंग में पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेशनल्स की सहूलत के लिए बनाए गए पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ारत इत्तला'आत व नशरियात की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने बीजिंग में पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेशनल्स की सहूलत के लिए बनाए गए पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर चीन में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर मुईनुल हक भी उनके हमरा मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा महमूद कुरैशी का कहना था कि पोर्टल का मकसद पाकिस्तानी तलबा और चीनी माहिरीन के माबैन तकनीकी रवाबित का फ़रोग है। यह पोर्टल पाकिस्तानी तलबा और चीन में पेशावराना कम्युनिटी के दरमियान रवाबित बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि यह पोर्टल जदीद तहकीकी इख्तराआत और दरियाफ्तों के ज़मन में मुआवनत फराहम करेगा। यह पोर्टल पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेशनल्स की कामयाबियों को उजागर करने में भी मुआवन साबित होगा। नाज़रीन, खबर यह है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में गैर कानूनी अदायगियों का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। FBI हुकाम ने खिलाफ कानून 16 अरब रुपए का सेल्स टैक्स सैकड़ों बड़े रिटेलर्स को रिफंड किया। गैर कानूनी अदायगियों के इस्तेफादे कुनंदगान की फहरिस्त से जाहिर होता है। ये अदायगियाँ इसी अरसे में जारी किए गए सेल्स टैक्स एक्ट और सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर्स के खिलाफ थीं। ज़राए के मुताबिक टैक्स हुकाम कम अज़ कम 4 ऑर्डर्स को नाफिज करने में नाकाम रहे, जिनमें इन बड़े रिटेलर्स को 60% सेल्स टैक्स रिफंड ना करने का कहा गया था, जो पॉइंट ऑफ सेल्स के जरिए से टैक्स सिस्टम से मुंसलिक ना हो। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने स्कैंडल की तहकीकात के लिए एक कमेटी भी तश्कील दे दी है, जो इस बात का तायुन करेगी कि आया FBR या पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड के अफसरान ने दानिस्ता तौर पर ऐसा किया या महज इनकी गफलत थी। जो अफसर भी इसमें मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बरतानिया का अगला बादशाह और मलका कौन होंगे? मलका एलिजाबेथ ने अहम ऐलान कर दिया। मलका एलिजाबेथ के बाद शहजादा चार्ल्स बादशाह, जबकि उनकी अहलिया कमीला यॉर्कर मलका बरतानिया बनेंगी। मलका बरतानिया ने अगली नस्ल को तख्त सौंपने से मुतल्लिक गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म करते हुए ऐलान किया कि उनके बाद शहजादा चार्ल्स बादशाह, जबकि उनकी अहलिया कमीला यॉर्कर मलका बरतानिया बनेगी। 95 साल मलका एलिजाबेथ ने प्लाटिनियम जुबली के मौके पर अपने तख्त के अगले वारिस का ऐलान किया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।